महेश बाबू अब कौन सी फिल्म करने वाले हैं? क्या बॉलीवुड में एंट्री करने वाले हैं महेश बाबू? और क्या महेश बाबू अब रणवीर सिंह के साथ फिल्म में आएंगे नजर? चीफ मिनिस्टर बनने के बाद क्या करना चाहते हैं महेश बाबू और क्या है उनका सबसे यादगार पल? हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड स्टूडियोज, मैं प्रतिष्ठा स्वागत करती हूँ एक नई वीडियो में। महेश बाबू चीरू 152 में आचार्य के नाम से चिरंजीवी के साथ स्क्रीन शेयर करने को तैयार हैं। इस फिल्म को कोरटाला शिव डायरेक्ट कर रहे हैं। इस फिल्म में वो एक स्टूडेंट लीडर के रूप में दिखाई देंगे। पहले ये भूमिका रामचरण जो कि फिल्म का निर्माण कर रहे थे इन्हीं को ये भूमिका निभानी थी, लेकिन वो SS राजामौली की RRR की शूटिंग में बिजी होने की वजह से ये नहीं कर पाएंगे। यहाँ तक कि फिल्म में महेश बाबू के आने के बाद कोरटाला ने स्क्रिप्ट ही बदल दी और नक्सली की जगह अब एक्टर महेश बाबू को एक स्टूडेंट लीडर के रूप में देखा जाएगा। महेश बाबू का इस फिल्म में 30 मिनट का केमियो है। महेश का किरदार फिल्म में एक इम्पॉर्टेंट मोड़ पर आता है और ये एक मेन किरदार है जो कहानी को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। फिलहाल इस फिल्म की शूटिंग रामोज फिल्म सिटी में चल रही है। इसके बाद तेलुगु सुपरस्टार महेश बाबू को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसे लेकर टॉलीवुड से बॉलीवुड तक सभी इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं। और ये बात ये है कि महेश बाबू जल्द ही बॉलीवुड में एंट्री कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस फिल्म में महेश बाबू के साथ बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह भी होंगे। इस फिल्म को रोहित शेट्टी डायरेक्ट कर सकते हैं। हालांकि ये कौन सी फिल्म है इस बारे में अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। अगर दोनों को एक दूसरे का साथ मिलता है तो ये एक बेहतर कॉम्बो होगा, जहां महेश बाबू के साथ दर्शक रणवीर सिंह को पर्दे पर देख सकेंगे। इस वजह से रणवीर की भी साउथ में पॉपुलैरिटी बढ़ेगी और रणवीर के साथ आने का फायदा महेश बाबू को भी बॉलीवुड में मिलेगा। ऐसे भी महेश बाबू और रणवीर सिंह रियल लाइफ में काफी अच्छे दोस्त हैं। हाल ही में दोनों ने एक एडवर्टीजमेंट में भी साथ काम किया है। हाल ही में महेश बाबू से पूछा गया कि अगर वो चीफ मिनिस्टर बने तो वो उनका सबसे पहला काम कौन सा होगा जो वो करेंगे। इस पर महेश बाबू ने कहा कि मुझे नहीं पता, भगवान हमारे राज्य पर अपनी दया बरसा कर रखे। आजकल महेश बाबू अपने एक स्टेटमेंट की वजह से भी खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं और वो स्टेटमेंट ये है कि जब उनसे पूछा गया कि अगर उन पर कोई बायोपिक बनती है तो कैसी होगी, तो तेलुगु सुपरस्टार महेश बाबू का कहना था कि उन पर कोई बायोपिक नहीं चलेगी क्योंकि उनका जीवन बहुत ही सरल और वाऊ रहा है, मुझे नहीं लगता कि मुझ पर कोई बायोपिक चलेगी। इसके अलावा उनसे पूछा गया कि फिल्म के सेट से किसी एक ऐसे यादगार पल के बारे में बताएं जिन्हें वो कभी लाइफ में नहीं भूल सकते। इस पर महेश बाबू ने कहा, मैं फिल्म सेट नहीं कहूंगा, लेकिन जब 2001 में मुरारी रिलीज हुई थी तो मैं अपने पिता के साथ सुदर्शन 35mm थिएटर गया और सुबह का शो देखा। उस फिल्म के खत्म होने के बाद मेरे पिताजी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। वो एक ऐसा समय था जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। तो आपको चीरू 152 का कितना इंतजार है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं और आगे और भी ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज को सब्सक्राइब कर लें।